सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा डिफरेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 तक क्वेश्चंस जैसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में थोड़ा सा चेंज है, वो क्या है देखते हैं। अभी तक हम जितने भी पैसे जमा कर रहे थे गाइस, मैं ये नहीं बता रहा था कि हम उसको पैसे को एंड में जमा कर रहे हैं या बिगनिंग में जमा कर रहे हैं। बट इस क्वेश्चन में हमें ये चीज गिवन है कि बिगनिंग ऑफ ईच ईयर कर रहे हैं। हर साल तो पैसा दे रहे हैं लेकिन हर साल की शुरुआत में पैसा दे रहे हैं। तो जो शुरुआत वाले जो क्वेश्चन है, बिगनिंग इसका एक ही क्वेश्चन है गाइस, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई अलग टॉपिक नहीं है, एक ही क्वेश्चन है केवल, तो समझ लेते हैं। अगर हम कोई पैसा जमा कर रहे हैं हर साल और अगर उसको शुरू में जमा कर रहे हैं, बिगनिंग ऑफ ईच ईयर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो हम समझ जाएंगे कि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। उसमें अलग भी कुछ नहीं है, हम देखेंगे कि फॉर्मूले में बस एक छोटी सी चीज है जो कि ऐड हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। एन इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर है, एन इन्वेस्टर डिपोजिट रूपीज 8,000 एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर, हर साल के शुरू में पैसे देता है। बिगनिंग ऑफ ईच ईयर लिखा हुआ है, देखिए बिगनिंग ऑफ ईच ईयर अभी तक जितने भी क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ था उन सब में लिखा हुआ था एंड ऑफ ईच ईयर। तो इसमें लिखा हुआ है बिगनिंग ऑफ ईच ईयर, बिगनिंग ऑफ ईच ईयर इन अ बैंक अर्निंग कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 9% पर एनम, फाइंड आउट हाउ मच अमाउंट ही विल गेट एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जब इसमें हमें लिखना होगा ना बिगनिंग, जिस तरीके से लिखा होगा किसी भी क्वेश्चन में बिगनिंग, तो उसमें हमें एक चीज बढ़ा देनी है। सेम वही फॉर्मूला लिखेंगे, एक चीज क्या बढ़ाएंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे 1+r। यस, तो देखिए पहले इस क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या बनेगा। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमारा थोड़ा सा फॉर्मूला जो था वो मॉडिफाई हो जाएगा। वैल्यू इज इक्वल टू एन्यूटी अमाउंट मल्टीप्लाई में CVAF आर कॉमा एन, और यहीं पे 1+r ये हो जाएगा। ये देखिए ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, ये फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एनिटी अमाउंट मल्टीप्लाई CVAF ब्रैकेट में आर कॉमा एन, तो था ही साथ में 1+r भी आ जाएगा। अब 1+r बहुत आसान है, 1+r जो रेट है वो लिखना है आपको। ये कब होएगा गाइस, जब बिगनिंग में होगा, जब हमें बोलेगा ना बिगनिंग ऑफ ईच ईयर, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और इसका एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 दोबारा से पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो एन इन्वेस्टर डिपोजिट रुपीज 8,000 एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर, हर एक इन्वेस्टर है, सॉरी एक इन्वेस्टर है वो डिपोजिट करता है 8,000 रुपए हर साल की शुरुआत में इन अ बैंक, बैंक में अर्निंग कंपाउंड इंटरेस्ट, इस पे इंटरेस्ट उसे मिलता है 9%। तो हमें क्या गिवन है गाइस, 8% डिपॉजिट कर रहा है तो हमें क्या गिवन है, एन्यूटी। यस, 8,000 रुपए वो आज की डेट में जमा कर रहा है बार बार, तो वो एन्यूटी हो जाएंगे। ओके, रेट हमें गिवन है 9%। फाइंड आउट हाउ मच अमाउंट ही विल गेट एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, तो 7 साल बाद उसे कितना पैसा मिलेगा ये निकालना है, यानी कि फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। एन भी हमें गिवन है 7 ईयर्स। और जो मैंने अभी बताया ना ट्विस्ट बिगनिंग वाला, तो इसमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में 1+r लगा देना है, वो भी कब, जब बिगनिंग के क्वेश्चन होंगे बस। तो क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं हम, हमने फॉर्मूला तो लिख ही लिया है, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सारी बातें इसमें पुट कर देंगे। देखिए किस तरीके से करना है क्वेश्चन नंबर 11 हमें, इसमें पहले हम दोबारा फॉर्मूला लिखते हैं एक बार और, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्यूटी अमाउंट मल्टीप्लाई CVAF और आर कॉमा एन, ये तो आपको आता ही है ना गाइस इतना। अब इसमें बिगनिंग भी कह देता, हम यहाँ पे 1+r लगा देंगे, r से रेट है 1+ करना है उसमें, ठीक है। अब हम सारी जो गिवन बात है वो लिख लेते हैं, फ्यूचर वैल्यू हमें कितनी गिवन है, गिवन नहीं है, फ्यूचर वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। एन्यूटी अमाउंट कितनी गिवन है हमें, 8,000 रुपए, हर बार हम 8,000 रुपए जमा करवा रहे हैं, तो 8,000 रुपए एन्यूटी की जगह लिख देंगे। CVAF ऐसी रहेगा और r कितना है हमारा 9% और n हमारा कितना है 7 ईयर्स। अब जो ये है इसको क्या लिखेंगे, देखिए 1+ और r कितना है रेट 9%, तो 9 को लिखेंगे 0.09, ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। बहुत आसान है ये भी गाइस, कुछ नहीं करना है इसमें, बस एक चीज बढ़ गई है तो घबराओ मत इसको देख के। सबसे पहले 0.09 में प्लस करेंगे 1 तो हो जाएगा 1.09, और यहाँ पे ये ब्रैकेट है मल्टीप्लाई होगा इसका साइन मतलब, और यहाँ पे हम CVAF की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे कितने ईयर्स पे, 7 ईयर्स पे 9% पे, जो वो वैल्यू आएगी उसको यहाँ लिखेंगे, तीनों के मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा फ्यूचर वैल्यू। ओके गाइस, कुछ नहीं करना बिगनिंग वाले क्वेश्चन में, हमें बस फॉर्मूले में लिख देना है 1+r, 1 को 1 रखना है, प्लस को प्लस रखना है, r की जगह 9% 10% जो भी उसे लिख देंगे 0.09 डेसिमल में करके, उन दोनों को प्लस कर लेंगे 1.09 आगे जैसे हमारा, और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया। अब CVAF की वैल्यू निकालनी है,
9% पे 7 ईयर्स जो भी आएगा उसे यहाँ लिख देना और तीनों की मल्टीप्लाई कर देना, आपकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमें कुछ नहीं करना, क्या करना है, सबसे पहले सी वी ए एफ निकालना है 9% पे 7 ईयर्स। तो देखिए निकालेंगे इसका, तो 9% 9 को कर लेंगे डिवाइड, 9 डिवाइड बाय 100 प्लस कर देंगे 1, इक्वल हमारे प्लस 7 में प्लस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का सेल लगाएंगे। अब 2 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, जहाँ कहाँ तक जाएगी काउंटिंग, जितने भी ईयर्स का हमें निकालना है उसमें से एक बार कम, यानी कि 6 तक काउंटिंग जाएंगी, 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई प्लस 1 9.200। ये आ गया हमारा सी वी ए एफ 9.200। पॉइंट के बाद केवल 3 डिजिट लेने, या आप लोग याद रखेंगे। अब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, किस किस की, 8000 की 9.200 और मल्टीप्लाई 1.09। देखिए 9.200 मल्टीप्लाई 1.09 और मल्टीप्लाई 8000 आ गया 80224। और ये है हमारी फ्यूचर वैल्यू और यही है हमारा आंसर 80224। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया गाइस फिनिश। नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 से फॉर्मूले चेंज है, जो हमने 3 फॉर्मूले पढ़े ना गाइस उसके अपोजिट ये है। अब हम जानने के लिए देखेंगे कि जो अपोजिट फॉर्मूले है वो किस तरीके से, तो इसको जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।